हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सावन की पहली सुबह आप लोग सबको मुबारक हो। मुझे लगता है आप लोग भी सब रेडी हो कि अभी जितनी भी लेडीज हैं जा रही होंगी। पूरा सावन का एक महीना मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल ग्रीन, मैंने सब कुछ पहना है। देखिए ये चूड़ी वगैरह साड़ी सब ग्रीन है। तो मैं अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। गोविंद ने भी ग्रीन ही पहना है। तो अभी हम मंदिर जा रहे हैं शंकर भगवान के, जहाँ बेलपत्र वगैरह भगवान को चढ़ाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये जो बुरा समय चल रहा है अभी कोरोना का, भगवान उसे जल्दी ख़त्म करें ताकि सब लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होकर लाइफ जिए। क्योंकि ऐसे तो जब से ये कोरोना वायरस आया है तब से लोग टेंशन फ्री लाइफ जीना बिल्कुल ही भूल चुके हैं। क्योंकि हर वक्त ऐसे लगता है बाहर जाते वक्त कि यार कोरोना है, कोरोना है, किसी को कोरोना हुआ होगा। फिर भी चलिए, ये भी समय गुजर जाएगा, फिर वो समय निकल जाता है। तो वो ये भी एक हिस्ट्री है कि ऐसे टाइम पे कोरोना और ये सब चल रहा है अभी तक इतना लंबा समय, और मुझे नहीं लगता ये वायरस कभी ख़त्म होने वाला है। इसीलिए हमें अपने से सावधानी रखनी है। तो देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। बारिश हो रही है और सावन की मतलब जिस स्टार्ट हुआ है तो सावन के महीने की पहली शुरुआत बारिश से हुई है। बहुत अच्छी बात है। शंकर भगवान की बारिश भी रिलेटेड है उनसे, क्योंकि सावन में कहते हैं कि बारिश स्टार्ट होती है। तो ये भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ही होगी, भगवान जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ें ख़त्म करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। अभी बारिश भी मैं एंजॉय कर रही हूँ और आप लोगों के साथ बातें भी कर रही हूँ। हल्का मेकअप किया है मैंने, और मेकअप में क्या, बस काजल और लिपस्टिक लगाई है और कुछ नहीं। फेस में मॉइस्चराइज़र लगाया है, वो भी बेबी लोशन लगाती हूँ मैं। आप लोगों को तो पता ही होगा, मैं अपने हर वीडियोज़ में दिखाती हूँ आपको। तो अब हम मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं। उससे पहले हमें देखो दूध है क्या उनके पास। तो गोविंद लेने गए हैं भगवान के लिए, जो चढ़ाना है हमें, अभिषेक करना है, जिससे दूध लेने गए हैं। और बाकी सामान मैं लेके आई अपने साथ, देखिए पीछे रखा हुआ है। मिला एक ही पैकेट लिए। चलो फिर पापा आएंगे तो ले लेंगे। वो उनको खरीदना होगा आने के बाद। क्योंकि हमारे जाने के बाद मम्मी पापा भी आएंगे मंदिर पूजा करने के लिए, इसलिए हम लोग पहले आ गए। वो लोग भी आने वाले थे साथ में, लेकिन फिर वो लोग आ जाते तो बच्चों को कौन देखता। आप लोगों को पता ही है मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, एक सो रहा था अभी, दोनों सो रहे थे एक्चुअली। बड़े वाले की तबीयत भी थोड़ी कल परसों से ठीक नहीं है, उसे फीवर हो गया है। तो इसीलिए उसको रात में जो मेडिसिन दी थी उसकी वजह से ज़्यादा नींद आ गई होगी, अभी तक सो रहा है वो। और बस दूध लेते हैं। हाँ चलो, ऐसे सिंपल मेकअप लुक में आपको कैसी लग रही है आप बताइएगा जरूर। सारी लेडीज तो देख ही रही होंगी। तो आप भी शंकर भगवान के लिए अच्छे से रेडी वेडी हो जाइए, क्योंकि भगवान को खुश करना बहुत ज़रूरी है। और भगवान तभी खुश होते हैं जब लेडीज सुंदर से अच्छे से तैयार होती है। और वैसे जब भी सावन आता है हर साल, तो मैं बेसिकली यही कोशिश करती हूँ कि जो भी हल्का फुल्का मेकअप कर सकूँ वो करती हूँ। वैसे सावन के महीने में मेहंदी लगाना, हरी चूड़ियाँ पहनना, हरे कपड़े पहनना बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो ये सब चीज़ें हर लेडी को करनी चाहिए। और अगर आप जोड़े में जा रहे हैं भगवान के पास तो और भी अच्छी बात है। तो जैसे कि गोविंद हर बार तो रहते नहीं है, अब इस बार हैं तो मैंने बोला कि चलो यार चलते हैं। वैसे अधिकतर ये सावन के महीने में आ ही जाते हैं, इस शंकर भगवान की कृपा है। मैंने शंकर भगवान से इसी मंदिर में मांगा था, यहाँ मेरे घर भी है। तो
वही बात है, जो मांगते वो मिल जाता है। मैंने शंकर भगवान की जो सवारी है नंदी जी, उनके कान में मैंने ये बात कही थी कि भगवान जो भी मुझे जीवन साथी देना वो मुझे बहुत प्यार करे और मेरी इज्जत करे, मुझे जो करना है वो करने दे। तो गोविंद बिल्कुल वैसे ही है। ओके चलिए फिर हम चलते हैं। बेलपत्र वगैरह ये लूटर ले लो। तो यहाँ पे मेरे फैमिली के रिलेटिव्स भी मिल गए हैं, मैं बस पूजा कर रही हूँ। तो हम अभी मंदिर आए फ्रेंड्स, और ये मेरी मामी भी आई है। तो चलिए अब मैं भगवान को अपना समय देने जा रही हूँ। आप लोगों के साथ मेरे समय बाद में स्पेंड करूँगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, आई लव यू। तो हमारी पूजा हो गई है और अब हम घर जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा शंकर भगवान की पूजा करके। वहाँ पे कई लोग उनको रुद्राभिषेक बोलते हैं, वो कर रहे थे, भस्म से उनका अभिषेक करा रहे थे। जो मंदिर है वो ये देखिए, सॉरी मैं आप लोगों को अंदर से नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं भगवान के पास लीन हो गई थी भगवान की भक्ति में। तो मंदिर देख लीजिए आप, ये है मंदिर। ये बात तो है कि भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है और ये चीज मेरी लाइफ में हो चुकी है। हाँ सब है। तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरा रुद्राभिषेक, मतलब शंकर भगवान का रुद्राभिषेक मैंने किया था अनार के जूस से। कई लोगों को नहीं पता होगा रुद्राभिषेक क्या होता है। रुद्राभिषेक का मतलब होता है शंकर भगवान को उससे, जब तक उनका मंत्र या जो पूजा चलती है जो पंडित जी कराते हैं तब तक उससे अनार के जूस से, या फिर कई लोग दूध से करते हैं, कई लोग उससे क्या बोलते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। मैंने अनार के जूस से किया था। तो अगर आप लोग भी ऐसे करना चाहते हैं तो आप पंडित जी से अपने कह सकते हैं, उनको ज़्यादा पता रहता है। तो हमारे पंडित जी मंदिर के बहुत पुराने हैं और जब मैं ये कॉलोनी नई नई बनी थी तब कॉलोनी में ही ये सब चीज़ें आने के बाद फिर हमने स्टार्ट की थी। और फिर रुद्राभिषेक किया हमने भगवान का। उसके बाद फिर मैंने उनसे ये मन्नत मांगी थी कि भगवान मुझे एक बहुत अच्छा हस्बैंड देना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बहुत हैप्पीली मैरिड वाइफ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अपनी मैरिड लाइफ से, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मेरे काफ़ी ख्याल रखते हैं। वैसे ये तो शिप पे रहते 4-5 महीने बाद आते तो ख्याल रखना ही चाहिए वैसे बट फिर भी कई लोग हैप्पी नहीं रहते हैं इस जॉब से। फिर भी मुझे लगता है कि आपको एक बार उस इंसान के बारे में भी सोचना चाहिए जो आपके लिए इतना दूर जाता है और इतनी मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए, तो फिर हमें उसको अपना पूरा देना चाहिए। अभी गोविंद ड्राइव कर रहे हैं। गोविंद कार बिल्कुल ड्राइव नहीं करते थे, अभी शादी के बाद मैंने सब चेंज कर दिया तो फ्रेंड्स आप लोग भी ये जो भगवान का सावन का पर्व है बहुत अच्छे से मनाइए और भगवान शिव को खुश करिए और उनकी भक्ति में बहुत शक्ति है। मैं ये बात आपको गारंटी से कह सकती हूँ, आप जो भी उनसे मांगेंगे वो जरूर पूरा होगा। इसलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आप सभी लोगों की मनोकामना पूरी हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी और जितने लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं वो भी जल्दी ठीक हो जाएं और भगवान हमारे देश को शक्ति दे इस चीज़ से निपटने के लिए। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बाय।